हरे कृष्ण, सभी भक्तों का पुनः स्वागत है श्रीमद्भागवतम के इस विशेष सत्र में। हम श्रीमद्भागवतम के दशम स्कंद से पाठ कर रहे हैं और दामोदर कथा के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि भक्तों की संगति में इस तरह श्रीमद्भागवतम पढ़ने का मौका हमको मिल रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि यह यज्ञ इत्यादि तप दान सत्कर्म जो लोग करते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन भागवत बोलती है कि जिनको भक्तों की संगति मिलती है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली। भक्तों की संगति तीर्थ स्थान से भी ज्यादा पवित्र है। भक्तों की संगति सभी वैदिक विधानों से ज्यादा पवित्र है। मुचुकुंद, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं दशम स्कंद के 51 अध्याय में, भगवान को यही बात बोलते हैं कि हे भगवान, भवाव परगो भ्रमतो यथा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत समागम। हे भगवान, जब भवा अपवर्गो, जब भौतिक जीवन किसी जीवात्मा का समाप्त होता है तब वो आपके भक्तों की संगति प्राप्त करता है। इसका मतलब जैसे ही किसी को भक्तों की संगति मिल रही है उसका मतलब उसका भौतिक संसार खत्म हो गया है। ये भक्तों की संगति का फल है, ये भक्तों की संगति का आशीर्वाद है। श्रील प्रभुपाद कई बार बताया करते थे कि वैष्णव का आशीर्वाद का मतलब ही है हमारी भौतिक आसक्तियों का दमन होना। हमारी परंपरा में महान आचार्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु महाराज थे, उनके पास अगर कोई आशीर्वाद मांगने जाता था तो वो यही बोलते थे कि जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तो ऐसा कोई आशीर्वाद देता है क्या? तो उनको पूछते थे लोग, बाबा जी ऐसा क्यों आशीर्वाद देते हो? तो वो बोलते थे, तो क्या आशीर्वाद दूं कि तुम्हारा भौतिक जीवन अच्छा चले? मैं तो चाहता हूं तुम्हारा सत्यानाश हो और तुम भगवान की शरण में जाओ। तो साधु का आशीर्वाद, साधु का संगति मतलब भवापवर्गो, भव सागर में अब हमको नहीं रहना है। ये भक्तों की संगति का असर है कि अभी हमारा भौतिक संसार जीवन खत्म होने वाला है। मुचुकुंद भगवान को बोलते हैं, और फिर अगर कोई व्यक्ति उस भक्तों की संगति को ठीक प्रकार से ले, गंभीरता से ले, भक्तों की सेवा करे, उनसे श्रवण करे, तो आपके प्रति उसकी भक्ति का उदय होता है। और जब उसकी भक्ति का उदय होता है तो वो आपको प्राप्त करता है। तो मुख्य बात है कि भगवान के भक्त ही भगवान को मिलने की चाबी। ये भक्तों की संगति में जब हम हरिनाम करते हैं, भक्तों की संगति में जब हम भागवत श्रवण करते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि और दुनिया में और कुछ नहीं। साधु संगे कृष्णा यही मात्र चाहिए, संसार जिनेते और कोनो वस्तु नाही। संसार में इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। जहाँ भक्तों की संगति में भगवत कीर्तन, भगवत कथा सुनने का हमको मौका मिले, तो ये दामोदर मास हमारे जीवन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने, हम भक्तों की संगति को और गंभीरता से ले सके, इस तरह भगवान दामोदर के चरणों में हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम अभी तक श्लोक संख्या 14 तक देख चुके हैं, जहाँ माता यशोदा देख रही थी कि उनका बालक बहुत ज्यादा डर गया है। और डर तो गया है लेकिन उसको बांधना भी जरूरी है। तो माता यशोदा ने यद्यपि छड़ी को फेंक दिया लेकिन फिर कृष्ण को बांधने का निश्चय किया। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये तो अनंत रूप भगवान कृष्ण साक्षात अधोक्षज हैं, ये सभी स्थानों में विद्वान हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारी इंद्रियों के परे हैं, लेकिन माता यशोदा तो उनको अपना बालक समझती हैं, प्राकृतम यथा, अपना साधारण बालक समझती हैं, विशेष बालक भी नहीं, साधारण बालक समझती हैं, इसलिए माता यशोदा ने उनको बांधने का निश्चय किया। उसी के साथ श्लोक संख्या 15 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तद्दाम बंध मानस्या
स्वर्भकस्य कृतागसा द्वियंगुलम् अभूतेन संददे संददन्यच्छ गोपिका तद्दाम उस रस्सी से बंध्यमानस्य बांधने की शुरुआत हो गई। अब जब माता यशोदा उत्पाती बालक को, क्या नाम दिया है कृष्ण को, उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी दो उंगल छोटी पड़ रही है, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। अभी आप देखेंगे ऊपर उत्पाती शब्द नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने उत्पाती बालक लिखा है, क्योंकि ऊपर लिखा है कृत आगस, अपराध करने वाला, तो जो अपराध करता है वो तो उत्पाती होता है, तो उत्पाती बालक कृष्ण को नाम दिया है कि उत्पाती बालक कृष्ण को बांधने के लिए माता यशोदा तैयार हो गई। जो रस्सी उनके पास थी उस रस्सी से बांधना चाहा, माता यशोदा के बालों में रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी नहीं एक रिबन जैसा बांधा हुआ था, वो निकाल करके बांधने का प्रयास करें, क्योंकि छोटा सा कृष्ण है, 2 साल का बच्चा है, और उनको बांधने के लिए वही रस्सी का इस्तेमाल करने लगी, लेकिन देखा कि वह रस्सी छोटी पड़ रही है तो उसको जोड़ने के लिए और भी रस्सियों को वह बटोरने लगी। तात्पर्य, कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई, वह पहले ही पूतना शट्टासुर तृणाव्रत का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखला देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत तक वे असफल रहीं। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गईं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवन मुखे ही जिह्वा आदौ स्वयम एव स्फुरति। ज्यों ज्यों भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों तो वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिह्वा आदौ, यह सेवा जिह्वा से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राम्य इंद्रिया, सेवन मुखे ही जिह्वा आदौ स्वयं एव स्फुरति यदा। भक्ति रसामृत सिद्धु में ये श्लोक आता है कि कैसे भगवान को हम बांध नहीं सकते। भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि हमारी भौतिक इंद्रियों के लिए अगोचर हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो स्फुरति अदा स्वयं स्फुरित होते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से बंधते हैं, उनको बांधने के लिए कोई भौतिक प्रयास संभव नहीं है। तो माता यशोदा प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं कि देखो जब तक मैं स्वयं नहीं बंधना चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं पाएंगे। तो ये देखते हैं इस श्लोक का एक एक शब्दार्थ। तद्दाम, बांधने की वह रस्सी, दाम मतलब रस्सी, ये तो अभी तक हमको पता ही है। तो माता यशोदा ने सर्वप्रथम अभी कृष्ण को तो एक हाथ से पकड़ रखा है, अभी इधर उधर कृष्ण को लेके जाएंगे, कृष्ण फिर हाथ छुड़ा करके भाग जाएगा तो मुश्किल है। तो माता यशोदा ने अपने ही बालों में जो रस्सी बांधी थी वह रस्सी निकाल करके कृष्ण को बांधना शुरू किया। और बंध्य मानस्य, बांधने की शुरुआत तो की, तो बांधे किससे, उखल से बांधेंगे। तो अगर वही उखल के पास जाती जिस पे कृष्ण चढ़ के माखन चोरी कर रहे थे तो भी रिस्क है कि कृष्ण कहाँ भाग जाएंगे, तो वहीं पर देव इच्छा से एक और उखल पड़ा हुआ था जहां माता यशोदा उनको पकड़ी थी, तो वहां पर एक छोटा सा उखल पड़ा हुआ था, उस उखल को उठा करके माता यशोदा छाए के नीचे लेके आ जाती है। कह रहे धूप में बांधूंगी तो बेचारे को धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, तो छाए के बीच जहां पेड़ थे उन पेड़ों के पास ले जा करके उस उखल को रख दिया, और जिस रस्सी से बाल बांधे हुए थे उस रेशमी रस्सी को निकाल करके कृष्ण को बांधने का प्रयास करें।
क्योंकि अगर इधर उधर उखल को ढूंढने जाती है, रस्सी को ढूंढने जाती, तो कृष्ण छूट के भाग भाग जाते। अब जब पेड़ों के पास लेके गई तो सारे ही पेड़ प्रसन्न हुए कि कृष्ण हमारे पास आए हैं, लेकिन दो पेड़ कुछ ज्यादा प्रसन्न हुए। ये थे यमलार्जुन वृक्ष, नल कुंवर और मणिग्रीव। ये कथा आप लोग जानते हैं, अगला अध्याय उसी के ऊपर है कि नल कुंवर और मणिग्रीव ये दो भाई मंदाकिनी नदी में कुछ युवा स्त्रियों के साथ, युवतियों के साथ नग्न विहार कर रहे थे। उस समय पर नारद मुनि का आना होता है और नारद मुनि को देख करके ये स्त्रियां अपने आप को ढक लेती हैं, लेकिन ये दोनों इतने नशे में चूर थे कि इनको कुछ होश नहीं रहता और ये नारद मुनि का अपमान कर बैठते हैं। वहां नारद मुनि इनको श्राप देते हैं कि जाओ, तुम नग्न खड़ा होना तुमको ज्यादा पसंद है, तो तुम वृक्ष बन जाओ, तो पूरा जीवन ही तुमको नग्न रहना होगा। तब उनको होश आता है, वह क्षमा याचना करते हैं और नारद मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, तुमको वृक्ष तो बनना है, लेकिन तुम वृक्ष बनोगे नंद बाबा के आंगन में। तो जो नंद महाराज के दादाजी थे परजन्न महाराज, उन्होंने नंद महाराज के आंगन में ये पेड़ लगाए थे। ये दो पेड़ उस समय से नंद बाबा के आंगन में थे और उस आंगन में ये दो पेड़ बड़े ही विशेष थे। सारे ब्रजवासी इन दोनों पेड़ के पास जाकर के मन्नत मांगते थे। देखिए, वैसे वृंदावन के सारे ही पेड़ कल्प वृक्ष हैं, उन वृक्षों के सामने जो मांगेंगे, जो कल्पना करेंगे, जो इच्छा करेंगे, वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये दो क्योंकि वैष्णव अपराध करके पेड़ बने थे, इन्होंने संकल्प किया हम सभी वैष्णवों की बड़ी सेवा करें, तो जो ब्रज में जो इच्छा करता है ये पेड़ उसकी पूरा कर देते। किसी को घर में संतान नहीं है, ये संतान प्राप्ति हो जाती, तो वो लोग पेड़ पे आकर के अपना धन्यवाद देते। ब्रजवासी तो वैसे ही सरल हैं, गांव में जंगल में रहने वाले हैं, तो जंगल में जो जो रहते हैं वो तो पेड़ पौधों की पूजा करते ही। कोई के घर में अनाज की कमी है तो इन पेड़ों के पास आके बोलते, कोई और संकट है तो पेड़ों के पास जाके बोलते। किसी का कुछ खो जाता है, जैसे मानो किसी कोई वस्तु खो जाती, तो इन पेड़ों के पास आके बोलते कि हमारी फलानी चीज खो गई है, तो वो मिल जाती। तो ये पेड़ों को बड़ा पसंद पूरा ब्रजमंडल करता था। और इनका सौभाग्य था कि जब श्री कृष्ण नंद भवन में आए, उस समय से हुई हुई सारी लीलाओं को इन्होंने दर्शन किया। कैसे भगवान श्री कृष्ण आए, कैसे नंदोत्सव मना, कैसे शट्टासुर का वध किया, कैसे तृणाव्रत लेके गया, कैसे तृणाव्रत का वध किया, पूतना उद्धार किया, कैसे ब्रजवासियों के साथ ये नटखट बालक बातचीत करता, ये सारी कैसे मिट्टी खाई, इत्यादि सारी लीलाओं का दर्शन ये दोनों वृक्ष करते थे। लेकिन नारद मुनि ने इनको ये बोला था कि जब भगवान इनके ऊपर अपने पैरों का स्पर्श करेंगे तो ये वृक्ष योनि से मुक्त हो जाएंगे, ये उनको नारद मुनि ने बोला था। तो ये जानबूझकर ये प्रार्थना करते थे कि भगवान हमारे निकट ना आए, ये प्रार्थना करते थे कि अगर भगवान हमारे निकट आए और पैरों को स्पर्श कर दिया तो हम मुक्त होकर के चले जाएंगे, तो इनकी लीला का जो लाइव टेलीकास्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। तो इसलिए ये प्रार्थना करते थे कि भगवान दूर दूर से लीला करते रहे और हम देखते रहे। लेकिन आज भगवान एकदम निकट आ गए हैं, माता ने पेड़ों के पास ही उकल को रख के इनको बांधने का संकल्प किया है। तो ये यमलार्जुन प्रभु यमलार्जुन वृक्ष प्रसन्न भी थे लेकिन दुखी भी थे कि अरे कहीं पैर रख दिया तो हमारा तो वीजा खत्म हो जाएगा, हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इनकी इच्छा भी थी कि भगवान का दर्शन होता रहे और भगवान की इच्छा थी इनका उद्धार करा जाए। तो जो भी हो, उन पेड़ों के पास में माता यशोदा ने उखल रख के स्वअर्भकस्य, स्वअर्भ अर्भक हमने कल परसों भी पढ़ा था, अर्भक मतलब पुत्र, अर्भकस्य स्वअर्भकस्य अपने पुत्र को बांधना शुरू किया। अब स्वअर्भकस्य भी बोला है तो माता यशोदा के मन में बार बार आ रहा था कि अरे मेरा ही तो बच्चा है, बांधू कि नहीं बांधू, तो छोड़ देती हूँ। फिर मन में आ रहा था नहीं, कृत आगसा, अगला शब्द है कृत आगसा, अपराधी भी है तो बांधना चाहिए। फिर मन में आ रहा था स्वअर्भकस्य, नहीं मेरा ही तो बेटा है। फिर मन में आ रहा था कृत आगसा, नहीं अपराधी है, अपराधी है तो बांधना चाहिए, बेटा है तो छोड़ना चाहिए, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, यही मन में है माता यशोदा के चल रहा था, क्या किया क्या जाए। फिर माता यशोदा ने सोचा कि बेटा है वो तो एक पॉइंट है,
लेकिन कृत आगे सा अपराधों की लिस्ट बड़ी लंबी। अपराध इसने बहुत सारे किए हैं। क्या क्या अपराध किए हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारा खानदानी पुश्तैनी जो मटका था, जो 5 पीढ़ियों से चलता आ रहा था, उस मटके को तोड़ दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, तोड़ना था तो ठीक है, तोड़ना तो वैसे गलत काम है ही, लेकिन दिवाली के दिन तोड़ दिया। दिवाली तो शुभ दिन है, दिवाली के दिन सारी शुभ वस्तु शुभ चीजें होनी चाहिए, दिवाली के दिन उठा करके मटका तोड़ दिया, ये तो गलत काम किया। अच्छा, तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन फिर साफ भी करना चाहिए था, कम से कम वहां खड़ा होना चाहिए था, कम से कम माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तोड़ करके वहां से चला गया, है ना? जैसे एक्सीडेंट में होता है हिट एंड रन, मान लो किसी को गलती से आपने गाड़ी से ठोक दिया, तो सामान्य शिष्टाचार ऐसा होना चाहिए कि आप गाड़ी रोकें, बेचारे को अस्पताल वगैरह लेके जाएं, लेकिन आपने गाड़ी से ठोक करके गाड़ी ले गए, तो वो तो क्रिमिनल केस होता है, हिट एंड रन। तो उस तरह से हिट एंड रन करके भाग गया, फोड़ा तो फोड़ा, गलती की तो माफी मांगना चाहिए थी, माफी भी नहीं मांगी, भाग गया। तीसरा अपराध, मक्खन जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए था, यज्ञ के लिए था, और भगवान विष्णु को अर्पित होता, यज्ञ में भोग लगता, उसके बाद सब लोग खाते, तो ये तो ठीक भी था। उस मक्खन को बिना भोग लगाए किसको खिलाने लगा? बंदरों को खिलाने लगा, कौओं को खिलाने लगा, ये भी अपराध है, ये भी गलत काम किया। और फिर खिलाने के बाद फिर भागा, एक बार भागा चलो ठीक है, समझ में आता, डर के मारे भागा होगा, दूसरी बार फिर मैं पकड़ने गई तो फिर भागा, ये भी गलत काम है। तो इसका मतलब तो इसके अंदर ही ये भागने का गुण है कि ये भागता है इधर उधर। फिर आगे, मैं सुबह से उठी, ब्रह्म मुहूर्त से उठी, दिवाली का दिन है, कितना व्यस्त दिन था, लेकिन मुझे पूरा दिन भगाया, सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन भगाया। दिवाली के दिन लोग कितना कुछ करते हैं, दिवाली के दिन लोग घर सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, लोग मिलते हैं, बड़ों बड़े छोटों को आशीर्वाद करते हैं, बहुत कुछ होता है, पूरा दिन मुझे भगाया। देखो कितनी विशेष दीपावली माता यशोदा ने मनाई होगी। हम लोग तो दिवाली पे ढूंढते हैं कौन सी मिठाई खाएंगे, क्या कौन सा फटाका फोड़ेंगे, किधर डेकोरेशन करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, खुद के कपड़ों की चूसिंग करने में ही पूरा दिन निकालते हैं। लेकिन माता यशोदा की दीपावली देखो, सुबह से शाम कृष्ण के पीछे भाग रही है। काश हमारी भी दीपावली ऐसी होती कि हम सुबह से शाम कृष्ण का चिंतन कर सके, लेकिन हमारी वो अवस्था नहीं है। माता यशोदा सोचने लगी, ये भी अपराध है कि मुझे दिन भर भगाया। इसके बाद एक और पुष्टि इससे होती है कि जो ये मेरे साथ कर रहा है, इसने तो बाकी गोपियों के साथ करा ही है, सारी गोपियों ने कंप्लेन की थी कि ये माखन चोरी करता है, तो इसकी पुष्टि भी होती है। और गोपो ने भी कंप्लेन की थी कि इसने मिट्टी खाई, तब भी मुझसे झूठ बोला ही होगा, क्योंकि आज झूठ बोल रहा है तो कल भी झूठ बोला ही होगा, तो ये सबको परेशान करता है, ये भी अपराध है। और फिर उखल का एक नाम है खल, हम लोग बोलते हैं ना खलबत्ता, छोटा उखल होता है खलबत्ता, जिसमें लोग अदरक वगैरह कूटते हैं, लोग चाय भी डालते हैं, भक्त लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी खलबत्ता तो घर में होगा ही, तो उखल का नाम है क्या, खल। तो माता यशोदा सोचने लगी कि देखो ये अभी से खल की संगति में है, तो बड़े होकर भी खल की संगति करेगा, खल का एक और मतलब होता है दुष्ट, तो अगर अभी खल की संगति में है तो बड़े होकर भी खलों की संगति में जाएगा, मतलब दुष्टों की संगति में जाएगा, तो आज अगर मैंने इसको दंड नहीं दिया तो बड़े होकर भी गलत संगति करेगा, तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को गलत दिशा में जाते देखे तो उनको रोके, तो ये भी गलत जिम्मेदारी है। और फिर माता यशोदा ये भी सोचने लगी कि ये बाद में जाके तो ब्रज का राजा बनेगा, अभी नंद महाराज ब्रज के राजा हैं, बाद में जाके इसको राजा बनना है, तो अगर राजा के अंदर काम क्रोध लोभ झूठ बोलने की आदत भागने की आदत यह सब क्रुकेडनेस रहेगी, तो बाद में जाके ये ऐसा राजा बनेगा तो प्रजा का क्या करेगा? ये सब तो कृत, ये सारे जो कृत आगसा है, ये सारे जो इसके कांड है, ये ज्यादा बड़े हैं। तो स्वार्भकस्य तो है, मेरा पुत्र तो है, लेकिन मेरे पुत्र से ज्यादा बड़ा ये अपराधी है, अपराध के कार्य इसने ज्यादा करे हैं, तो मैं इसको बांधना शुरू करती हूँ, मुझे इसको सभ्य बनाना है। सभ्य मतलब जो सभा में बैठने लायक हो उसको बोलते हैं सभ्य, तो मुझे इसको सभ्य बनाना है, मुझे इसको दूसरों के साथ बैठने लायक बनाना है, ये सबके साथ इस तरह झूठ बोलेगा, इस तरह गुस्सा होगा, तो फिर मेरा मेरा दायित्व तो मैं नहीं निभा रही हूं,
तो माता यशोदा ने संकल्प कर लिया कि मैं कृष्ण को बांधूंगी। और जैसे ही वो बालों से निकाल करके रस्सी से बांधने का प्रयास किया, दू उंगला उनम, दो उंगल रस्सी, उनम मतलब छोटी पड़ गई। ये दो रस्सी, दो उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। कई आचार्य बोलते हैं कि हम सामान्यतः ऐसे बोलते हैं ना, कहीं पर कितने लोग आए थे, अरे 2-3 लोग आए थे, मतलब बहुत कम लोग आए थे, तो थोड़ी सी रस्सी छोटी पड़ गई। तो माता यशोदा ने सोचा कि अरे हो सकता है मेरा मेजरमेंट गलत है, मैं और रस्सी इसमें जोड़ करके मैं रस्सी को बढ़ा लूंगी। लेकिन जितनी रस्सियां बांधती थी वो दो उंगल रस्सी छोटी ही रही। सनातन गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे संकेत इसके माध्यम से कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातें चर्चा करेंगे। जैसे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान इस लीला के माध्यम से बोल रहे हैं कि कर्म और ज्ञान के द्वारा मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो छोटा ही रहेगा, मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। ये दो उंगल क्या है? कर्म और ज्ञान है, इनके माध्यम से कभी मुझे पकड़ नहीं सकते हो। पकड़ना है तो भक्ति से ही पकड़ना है, कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना निरर्थक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग एक बात बताते हैं, रसिक आचार्य, वो बोलते हैं कि कृष्ण है सत्य संकल्प, जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। तो कृष्ण सोच रहे थे पिछले अवतार में मैं एक बार वामन बना और मैंने बलि से भिक्षा मांगी तो लोगों ने मुझे भिखारी ही साबित कर दिया, सब मुझे भिखारी ही बताने लगे। एक बार क्या भिक्षा मांग ली, सब भिखारी बोलने लगे। तो अभी मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, अभी जो चाहिए मैं उठा करके चोरी करके लेके जाऊंगा। तो मुझे इस अवतार में तो चोरी करनी है, लेकिन अगर माँ मुझे आज बांध देगी तो मैं चोरी कैसे करूंगा। तो भगवान का जो सत्य संकल्प शक्ति है वो सोचने लगी, अरे भगवान की इच्छा है चोरी करने की, माता उनको बांध रही है तो मैं कैसे बंधने दूंगी। तो भगवान की सत्य संकल्प शक्ति उनको बंधने नहीं दे रही, माता यशोदा तो बड़ा प्रयास कर रही है। और एक जो हम सब भक्त कई बार चर्चा करते ही हैं, ये दो उंगल क्या है? ये दो उंगल हैं, एक है भक्त का प्रयास और एक है भगवान की कृपा। हमारे भक्ति जीवन में, कृष्ण प्राप्ति में ये दो उंगल छोटे हैं, ये दो उंगल कम पड़ रहे हैं, एक भक्त का प्रयास, एक भगवान की कृपा। हमारा प्रयास कम पड़ रहा है, पहला तो वही स्टेप कम पड़ता है। हमारा प्रयास कम है इसलिए भगवान की कृपा भी नहीं है। और दूसरा, प्रभुपाद जो तात्पर्य बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर भक्त का प्रयास भी पूरा हो तो भी वो भगवान को बांधने में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि कृष्ण को वश में कर सके। हाँ, प्रेम से कृष्ण स्वयं भक्तों के वश में आ जाते हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्त अपने ही प्रयास से भगवान को बांध ले, ऐसा संभव नहीं है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, भक्त का प्रयास भी महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा भी महत्वपूर्ण है। कई लोग इस तरह बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति कर लेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मंदिर आ जाएंगे, जप करना है तो भगवान की इच्छा होगी तो जप करेंगे। भगवान की इच्छा होगी जब आपका प्रयास होगा, आपका प्रयास होगा ही नहीं तो भगवान की कृपा तो होने वाली है ही नहीं। तो ये दोनों उंगलियां जब पूरी होती हैं, भक्त का प्रयास और भगवान कृपा, तब भगवान बनते हैं, नहीं तो भगवान बनते नहीं। तो अभी क्या करें, दो उंगल छोटी पड़ गई तो क्या किया माता ने, तेना उस रस्सी से संधे संधि की जोड़ दिया, अन्यत मतलब दूसरी रस्सियां, दूसरी रस्सियां बटोर करके माता यशोदा बांधने लगी। तो सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं माता यशोदा को दूसरी रस्सियां मिली कहाँ से, कृष्ण को तो हाथ पकड़ के वहां पर खड़ी हुई हैं, दूसरी रस्सियां मिली कहाँ से। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि माता यशोदा ने किसी गोपी को वहां खड़ा कर दिया होगा कि कृष्ण को पकड़ के यहाँ खड़े रहो, और फिर माता यशोदा अंदर से रस्सियां लेकर के आई होंगी, क्योंकि कृष्ण को छोड़ के जाती हैं तो वो भाग ही जाते हैं, और गोपियों को बदला तो निकालना ही था, उनके घर में चोरी तो भगवान ने करी थी, तो गोपियां भी एक्साइटेड थी कृष्ण को पकड़ के रखने में। तो वह गोपियों को भगवान को पकड़ा करके माता यशोदा अंदर नहीं रस्सियां ढूंढी, और उनकी जो दासियां थी माता यशोदा की, उनने भी मदद की, उन्होंने भी खूब मदद की इन रस्सियों को बटोरने में।
कितनी रस्सियां बटोरी, घर में जितनी रस्सियां थी सब लेके आए, जितनी चुनरियां थी सब लेके आए। 9 लाख गाय नंद भवन में थी, उन 9 लाख गायों को बांधने के लिए जितनी रस्सियां थी उन सब रस्सियों को भी लेकर के आए, और हर रस्सी को जोड़ती जा रही है, फिर भी रस्सी छोटी पड़ रही है। फिर क्या करे, कभी किसी देश में कोई सामान कम पड़ता है या खत्म हो जाता है तो फिर इम्पोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से लाना पड़ता है। तो अब माता यशोदा की 9 लाख गायों की रस्सियां खत्म, घर की रस्सियां खत्म, सारी चुंदरियां खत्म, अभी क्या करे। तो अभी पड़ोसियों से रस्सियां मंगवाई माता यशोदा ने, अपनी गोपियों को भेजा, दासियों को भेजा, जाओ जाओ पड़ोसियों से रस्सियां लेकर के आओ। तब तो सबके घर में तो हजारों हजारों गाय थी, सबके घरों से रस्सियां आ रही हैं। श्रीपद आइंद्र प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत सुंदर इसमें शिक्षा देते हैं। आइंद्र प्रभु बोलते हैं, देखो माता यशोदा संकीर्तन कर रही है। संकीर्तन क्या है? संग कीर्तन, सम्यक रूपेण कीर्तन। जब हम साथ में आके भगवान को पुकारते हैं, वो अकेली नहीं बांध रही है, उन्होंने सब दासियों को लगाया, गोपियों को लगाया, अभी पड़ोसियों को भी लगा रही है। कई बार लोग बोलते हैं, अरे आप इस्कॉन वाले बड़े बड़े परेशान करते हो, आप भक्ति करो ना, हमको क्यों घसीटते हो, आप भक्ति करो, आप करना है करो, हमको क्यों घसीटते हो। तो इसमें हमारा स्वार्थ है, हम अकेले करेंगे तो कृष्ण आएंगे नहीं, हमको आप सबको लेके जाएंगे तभी तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जैसे माता यशोदा अकेले नहीं बांध पा रही है तो सबकी मदद ले रही है, यह है संकीर्तन। जैसे मान लो कोई सरकार के पास किसी को कोई पॉलिसी पास कराना हो, वो अकेला सरकारी दफ्तर के आगे जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा तो कौन सुनेगा उसकी, वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके लेके जाता है। जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके बोलता है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तभी तो उसकी बात सुनता है ना कोई। तो ये संकीर्तन मतलब है सम्यक रूप, सब एक साथ आके जब भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब सब एक साथ भगवान को पुकारते हैं तब भगवान तैयार होते हैं बदले के लिए। तो माता यशोदा जानती है ये संकीर्तन प्रिय है, कृष्ण का एक नाम संकीर्तन प्रिय, तो संकीर्तन प्रिय तो संकीर्तन करना होगा। तो सभी को बुला रहे हैं, सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं, तो सभी घरों से माताएं रस्सियां ले लेकर के आ रहे हैं। और अंत में फिर शब्द यूज किया है गोपिका, गोपिका माता यशोदा गोपी हैं, कोई बहुत बड़ी देवी नहीं है। दुर्गा जी के बारे में बताया है ना, स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा माता है, उनकी शक्ति से स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब भौतिक संसार में होते हैं, भगवान की शक्ति है, छाया शक्ति है, और उनकी शक्ति से ये दुर्ग यानी ये भौतिक संसार की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी माता दुर्गा की है। कितनी शक्तिशाली देवी है। फिर माता सरस्वती शिक्षा की देवी है, माता लक्ष्मी धन की देवी है, कितनी बड़ी बड़ी ये देवियां हैं। माता यशोदा देवी का नहीं है, देवी नहीं है, गोपी का है, गोपी है, कोई देवी नहीं है, कोई बड़ी बड़ी शक्तियां इनके पास नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई चक्र नहीं, एक साधारण सी रस्सी लेकर के बांध रही। और रस्सी भी साधारण है, रस्सी भी कोई बहुत विशेष रस्सी नहीं है। जैसे जब समुद्र मंथन होना था तो समुद्र मंथन करने के लिए विशेष रस्सी उपयोग में ली गई थी, वो रस्सी थी वासुकी नाग। वासुकी नाग को इस्तेमाल किया गया था और उसमें भी भगवान विष्णु तमोगुण के रूप में प्रवेश किए थे जब वो वासुकी नाग से समुद्र मंथन हो पाया था। तो ऐसी कोई विशेष रस्सी भी माता यशोदा के पास नहीं है जिससे कृष्ण को बांध रही है, लेकिन एक साधारण से अपने बाल से ही रस्सी निकाल ली, गायों की रस्सी बटोर ली, पड़ोसियों से रस्सी मंगा ली, उससे बांधने का प्रयास करे गोपी। और गोपी का शब्द लगता है जिनका हृदय बहुत सौम्य होता है, जिनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड स्निग्ध होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के इस नाम के आगे का लगाया जाता है। जैसे अम्बा, अम्बा मतलब माता, अंबिका मतलब ऐसी माता जिनका हृदय बहुत सौम्य है, अंबिका। तो यहाँ पर गोपिका, गोपिका मतलब ऐसी गोपी जिनका हृदय बड़ा सौम्य है। तो ऐसा नहीं है कि माता यशोदा कृष्ण से द्वेष करती थी, द्वेष के मारे नहीं यहाँ पर भगवान को बांधी है, लेकिन प्रेम के मारे बांध रही है, अपनी संतान समझ के बांध रही है। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य, प्रभुपाद के समय की बात है, राधा दामोदर बस पार्टी चलती थी, तो
तो बस में कुछ 10-12 ब्रह्मचारी अलग अलग स्थानों पे जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए। अभी भी ऐसा होता है, हमारे उज्जैन मंदिर में भी 2 बस है, ब्रह्मचारी बस में जाते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं। तो कई बसों में भगवान के विग्रह भी रखते हैं। तो उस बस में अमेरिका में राधा दामोदर के विग्रह थे, और क्योंकि जब बस चलती थी तो कई बार क्या होता था, वो विग्रह कभी आगे खिसक जाते थे, कभी गिरने का भी डर था, तो उन्होंने एक रस्सी से उन विग्रहों को बांध दिया। तो आगे की सीट पर उन्होंने उनको रस्सी से बांध दिया। अभी सुबह सुबह भक्त लोग क्या करते थे, दीपक जलाते थे और भगवान की आरती, संसार दामन इत्यादि करते थे। तो एक दिन 2 पुलिस वालों ने देखा, अब रात का तो सुबह सुबह 4 बजे तो अंधेरा ही रहता है, तो पुलिस वालों ने देखा बस के अंदर क्या हो रहा है, 2 छोटे छोटे बच्चों को रस्सी से बांधा हुआ है और ये लोग आग दिखा करके उसको डरा रहे हैं। तो वो लोग सारे भक्तों को अरेस्ट करने के लिए आ गए, बोले आप लोग चाइल्ड अब्यूज कर रहे हो, 2 छोटे बच्चों को आपने रस्सी से बांध रखा है और आग दिखा करके डरा रहे हो। फिर भक्तों ने बताया, अरे ये हमारे भगवान है राधा दामोदर, इधर उधर विग्रह चले ना जाए इसलिए रस्सी से बांधा, और आग दिखा के डरा नहीं रहे, हम लोग आरती कर रहे हैं। तो कई बार दूर से देखने पे ऐसा लग सकता है, अरे माता यशोदा बड़ी बड़ी क्रूर है, कृष्ण को बांध रही है, लेकिन गोपिका वो तो सौम्य हृदय, स्निग्ध हृदय है, वो बांध रही है कृष्ण से प्रेम करने के लिए, वो बांध रही है कृष्ण को प्रेम की रस्सियों में। जैसे कई बार जब यमराज के विषय में बात होती है, हम यमराज का चित्र भी देखते हैं तो बड़ा उनको भयानक दिखाते हैं, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा सा उनके पास गदा है और भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं और कड़क आवाज में बोल रहे हैं। वास्तव में यमराज द्वादश महाजनों में से एक हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान ने उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी है कि जीवों के कर्मों का हिसाब करो, क्योंकि वो वैष्णव है। मान लो किसी दुष्ट क्रूर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी होती तो अगर किसी ने छोटी गलती भी की होती तो उसको तो दंड देने में बड़ा मजा आता, वो तो और मारता और पिटवाता। लेकिन एक सौम्य हृदय वैष्णव को दिया है कि कम से कम पनिशमेंट यमराज देते हैं। जीवात्मा तो बहुत कुकृत्य करता है, लेकिन वैष्णव है, सौम्य हृदय है, इसलिए कम से कम पनिशमेंट देते हैं। इसलिए वैष्णव जब किसी को पनिशमेंट देते हैं, वैष्णव जब किसी को दंड देते हैं, तो उस दंड में भी कृपा होती है। जैसे हमने नारद मुनि के विषय में देखा कि नारद मुनि ने नलकुवर मणिग्रीव को श्राप दिया, लेकिन क्या श्राप के माध्यम से कृष्ण बलराम के एकदम बगल में खड़े हैं, अभी वो लीला का एकदम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। जो बाकी ब्रजवासी थे वो तो भगवान के नित्य परिकर थे, लेकिन नलकुवर मणिग्रीव ने क्या ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण वो वहां पर लीला का भाग बन गए? केवल और केवल साधु की संगति थोड़ी सी मिल गई। तो साधु का आशीर्वाद भी इतना बड़ा कृपा होती है कि नलकुवर मणिग्रीव वहीं पर भगवान की कृपा, भगवान की लीला देख रहे हैं। तो उस प्रकार माता यशोदा का कृष्ण को बांधना वास्तव में प्रेममय लीला है। इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है गोपिका, ये सौम्य हृदय गोपी कृष्ण को बांधने का अथक प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है। हरे कृष्ण। तो आगे अभी 16-17 नंबर श्लोक में भगवान बंधने में सफल हो जाएंगे, माता यशोदा बांधने में सफल हो जाएंगी। तो 16-17 श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों का दिवाली का समय आ रहा है, कई लोग घर साफ कर रहे होंगे, कई लोग शॉपिंग पे जा रहे होंगे, फिर भी हम आपका थोड़ा समय ले रहे हैं। हो सकता है 3-4 दिन में ये लीला समाप्त हो जाए, या दिवाली के दिन ही हो, या दिवाली के एक दिन पहले हो, क्योंकि ये लीला हुई थी दिवाली के दिन, तो कम से कम दिवाली के पहले तक हो जाए तो दिवाली के दिन हम उस चेतना में इस महोत्सव को बना सकते हैं। हरे कृष्ण। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो वृक्ष थे ये कितने वर्ष पुराने थे? अच्छा, ये कई वर्ष पुराने थे, मैं जो बता रहा हूँ, भगवान के दादाजी उन्होंने इन वृक्षों को लगाया, तो उतने पुराने, ये उतने समय के वृक्ष थे, ऐसा नहीं कि तुरंत लगाया था। नंद बाबा के पिताजी का नाम था परजन्य महाराज, परजन्य महाराज ने इन वृक्षों को लगाया था, जो कृष्ण के दादाजी हैं, उन्होंने इन वृक्षों का रोपण किया था। तो बड़े तो काफी हो ही गए थे, मान लो परजन्य महाराज ने लगाया होगा, नंद बाबा जब हुए नहीं होंगे उसके, नंद बाबा खुद ही बूढ़े हो गए थे, तो कम से कम 100-150 साल पुराने तो वृक्ष होंगे ही होंगे। ठीक है, किस चीज के वृक्ष थे ये?
ये अर्जुन वृक्ष थे, अर्जुन के पेड़, जी प्रभु। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, सेवा कुंज में ललिता कुंड जो है वृंदावन में, इसका नाम प्रभु जी ललिता कुंड क्यों पड़ा, थोड़ा बताएं, बताने की कृपा करें। जी ये अलग अलग एक कथा हो जाएगी, अलग से कभी चर्चा करें। ठीक है, चलो ठीक प्रभु जी। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब यशोदा माता सब रशिया नवलख गायों की रशिया लेके भगवान को बांध रही थी और गोपियों को भी रशिया बांध रही थी, तो को माता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये भगवान है कि या नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्या? पिछले पिछले श्लोक में हमने उसके बारे में चर्चा की कि माता यशोदा को पता था ये भगवान है, लेकिन माता सोचती है कि भगवान भी है तो ये मेरा पुत्र है, इसको सुधारना तो मुझे पड़ेगा, ये मेरा मेरा पुत्र है, ये पुत्र भगवान है। तो उनका प्रेम इतना ज्यादा था, उनको फर्क ही नहीं पड़ता ये कौन है। आप सोचो, जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड माता यशोदा ने देखा हो, उसके बाद भी उनकी ममता कम नहीं हो रही, तो वो रस्सियों के चमत्कार से कहाँ इम्प्रेस होने वाली। पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, शट्टासुर का वध किया, कोई भी घटना से माता यशोदा सोच ही नहीं पा रही हैं कि वो भगवान है। यहाँ तक कि जब उद्धव ब्रज में आए, उद्धव ने खूब समझाने का प्रयास किया भगवान, तो ब्रजवासियों की बात सुन के उद्धव ही कृष्ण प्रेम में पड़ गए, उनका भी ज्ञान खो गया कि भगवान भगवान है। तो माता यशोदा का प्रेम इतना प्रगाढ़ है। ठीक प्रभु है। कई बार लोग, कभी नया संसद बनते हैं, बनता है, या कोई नया मंत्री बनता है, तो उसके आसपास खूब लोग भटकने लगते हैं, और जब उसका पद चला जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। जैसे हमने एक बराक ओबामा का वीडियो देखा था, वो बेचारा अकेला खड़ा है एक जनरल स्टोर में सामान खरीदते हुए लाइन में, तो जो पूरे विश्व के सबसे संभ्रांत देश का राष्ट्रपति रह चुका हो, उसका पद जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछ रहा है। ये भौतिक विचार है, लेकिन आध्यात्मिक विचार क्या है? कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पद जानने के बाद भी ब्रजवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, आपका पद हो ना हो, आपका प्रेम हमारे लिए सेम रहेगा, ये उनका विचार है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दीपावली के दिन ही जो दामोदर लीला हुआ था, और दीपावली के दिन भगवान राम का राज अभिषेक हुआ था। जनरली देखा जाता है कि लक्ष्मी जी का ही पूजन होता है दीपावली पर, और सिर्फ लक्ष्मी जी और सरस्वती और गणपति जी का पूजन करते हैं। तो ये कैसे चालू हुआ या कहाँ पे इसका उल्लेख आता लक्ष्मी जी का पूजन का? ऐसा नहीं है, केवल मध्य भारत और उत्तर भारत में ये होता है। अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से महोत्सवों में पूजा करते हैं। तो ये गीता में भगवान ने बताया है, तम तम नियम स्थाय, अपने अपने हिसाब से ये नियम शुरू हो गए हैं। वास्तव में माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेली नहीं होती है, हमेशा नारायण के साथ होती है। तो अगर किसी को लक्ष्मी पूजा करना भी है, तो भगवान नारायण के साथ उनकी अर्चना की जाए। अगर उनको ये लगता ही है कि माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो पति को छोड़ के पत्नी की आराधना कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरह राधा रानी का नाम हमेशा हम कृष्ण के साथ लेते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण। ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, केवल कृष्ण का नाम नहीं लेते, केवल राधा रानी का नाम नहीं लेते। ये युगल रूप में सेवा होती है, उसी तरह लक्ष्मी नारायण की युगल रूप में सेवा होती है। भगवान राम के साथ हमेशा सीता माता की पूजा होती है। तो उस तरह ये सारे जो कस्टम्स हैं, ये परंपराएं हैं, ये कालक्रम में चलती हैं, बहुत सारी चलती हैं। जैसे अभी एक परंपरा चलती है झांकी लगाने की, बड़े बड़े गणेश उत्सव करते हैं, बड़ी बड़ी झांकी लगाते हैं, बाद में ले जा करके उनको नाले में पटक देते हैं। आप लोग YouTube में थोड़ा देखिए गणेश विसर्जन की स्थिति किस तरह, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में, पूना में, बड़ी बड़ी मूर्तियों को पटक पटक दिया जाता है। क्या आपको लगता है शास्त्र इसकी अनुमति देता है? बड़े बड़े नवरात्रि में बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, फिर ले जा करके उनको नालियों में फेंक देते हैं और उसमें बॉलीवुड के गाने बजाते हैं, और उसके लिए बहुत सीरियस रहते हैं वो लोग, चंदा इकट्ठा करते हैं। कोई अगर चंदा ना दे तो उसको बोलते हैं तुम कैसे सनातनी हो, तुम झांकी के लिए चंदा नहीं देते हो। अभी उनको क्या समझाएं कि ये सनातन धर्म का अंग है जो आप काम कर रहे हैं।
ये सनातन धर्म का अंग नहीं है। वास्तव में देव देवताओं की पूजा करना ही सनातन धर्म में एक सम्मान की दृष्टि से सब वर्णित है। कैसे किसी का आह्वान करना है, कैसे विसर्जन करना है, उस मूर्ति को किस प्रकार से संभाल के रखना है, ये सारी वस्तुएं वर्णित हैं। लेकिन अभी जो ये सारी परंपराएं चल रही हैं समाज में, इतनी घुल गई हैं कि हमको लगता है यही हमारा धर्म है। लेकिन वास्तव में भागवत इत्यादि श्रवण करके, वेदों का पाठ करके, शास्त्रों का पाठ करके हम समझ सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में जो महोत्सव बने हैं, भगवान रामचंद्र का वापस अयोध्या आना, भगवान कृष्ण का दामोदर लीला इत्यादि करना, बहुत सारे महोत्सव दीपावली के दिन हुए हैं, तो पूजा करनी है तो भगवान की शक्ति की पूजा भगवान के साथ होनी चाहिए, उनसे विलग नहीं होनी चाहिए। और कॉम्बिनेशन भी देखिए कितना अच्छा किया है, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सरस्वती जी का। मतलब विद्या चाहिए, धन चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये तीनों काम जिंदगी में चाहिए। और भक्ति तो चाहिए नहीं, भगवान विष्णु आएंगे तो फिर भक्ति कराएंगे, भक्ति कौन करेगा। धन दे दो और विद्या दे दो और कोई झंझट मत दो, यही हमारा काम है। तो तीनों को एक फ्रेम में डाल के पूजा करना शुरू कर दिया। तो उस तरह ये सारी जो परंपराएं चल गई हैं, ये वास्तव में वैदिक परंपराएं नहीं है। ठीक है, ब्रज देवी माता ने प्रश्न पूछा है कि क्या वो वृक्ष अभी भी है। उन वृक्षों का तो भगवान ने उद्धार कर दिया था, वो टूट करके दोनों नीचे गिर गए थे और दोनों फिर ऊपर भगवत धाम चले गए। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भी की, वो अगले अध्याय का विषय वस्तु है। हम अगर भगवान कृपा रही तो अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, नहीं तो ये अध्याय के साथ ही लीला समाप्त भी कर सकते हैं। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आंसर मिल गया मुझे। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि वृक्ष हैं या नहीं हैं अभी। और नहीं प्रभु जी, आप ये कंटिन्यू करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं वेट करती रहती हूँ कि कब 8 बजेंगे और कब हम ये सुनेंगे आपके मुखारविंद से। बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग की क्लास भी सेम क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हूँ क्योंकि 7:30 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है, लेकिन मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सरिता माता हरे जी, कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे सरिता माता जी, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप अभी बोले ना, जो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, तो बहुत आदमी बोलते हैं राधे राधे, तो क्या ये अच्छा बात है? राधे राधे, सिर्फ राधे राधे बोले, मुझे हरे कृष्णा ने मत बोल, राधे राधे बोलो। देखिए जो जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है और अगर वो व्यक्ति मेडिकल पे जाए और खुद पसंद करे कि ये दवाई का डब्बा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही खा लेता हूँ, तो काम नहीं बनेगा। जो डॉक्टर ने दवाई बताई है वो खाना पड़ेगा। तो कलि संतरण उपनिषद में बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाँ हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप, कलयुग के कलि संतरण, कलि को पार करने के लिए महामंत्र का उल्लेख दिया गया। और अगर उतना भी शास्त्र ना जाने कोई, तो सामान्य दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि राधा कृष्ण कभी भी विलग नहीं है, राधा रानी हमेशा कृष्ण के साथ होती है। जब हम राधा कृष्ण का युगल रूप में पूजा करते हैं, युगल रूप में पुष्प चढ़ाते हैं, युगल रूप में आरती करते हैं, तो उनका नाम युगल रूप में क्यों नहीं लेना चाहिए। राधा रानी चाहेंगी कृष्ण का नाम सुनना, कृष्ण चाहेंगे राधा रानी का नाम सुनना, तो दोनों का युगल रूप में नाम लेना चाहिए। हरा मतलब राधा रानी, तो हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, तो उस तरह से राधा कृष्ण का नाम सम्मिलित रूप से लेना चाहिए। और अगर हम इस तरह सम्मिलित रूप में लेंगे तो दोनों की कृपा लाभ करेंगे। राधा रानी कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं, कृष्ण कृपा से राधा रानी प्राप्त होती है, तो इन दोनों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। ये असुरिक प्रवृत्ति है। रावण की प्रवृत्ति है कि सीता को राम से अलग कर दिया, ये रावण की प्रवृत्ति है, तो हमको रावण की कैटेगरी में नहीं जाना है। हाँ, ब्रजवासी लोग राधे राधे बोलते हैं, उनका भाव अलग है। ब्रजवासी लोगों का भाव क्या है कि कृष्ण बड़े कठोर हैं, राधा रानी को छोड़ के गए, इसलिए हम कृष्ण की पार्टी में नहीं, हम राधा रानी का नाम लेंगे, इसलिए बोलते राधे रानी। अब हमारा वो स्तर है क्या? हम ब्रजवासियों के स्तर पे हैं क्या? हम साधक हैं, भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, अपनी इंद्रियों से ही परेशान है, अपने अनर्थों से परेशान है, तो ब्रजवासियों का अनुकरण हमको नहीं करना चाहिए। ब्रजवासी जो स्तर में है, जो भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उन ब्रजवासियों का अनुकरण हमारे लिए नहीं है। प्रभुपाद जी एक भजन में लिखते हैं, नकल करिते गेला विपरीत फल। इस तरह महान भक्तों का नकल करेंगे तो उल्टा असर होगा। तो ब्रजवासी अगर राधे राधे जपते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है,
लेकिन साधन भक्त को शास्त्र उन्मुख भगवत नाम लेना चाहिए, जहाँ युगल रूप में राधा कृष्ण का हम नाम लेते हैं और उस प्रकार से राधा कृष्ण की कृपा की याचना करते हैं। ठीक है, मयूरिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपको थैंक यू बोलना था कि भागवतम जी मेरे घर पधार गए हैं। सो आप सबकी कृपा से ही वो मुमकिन हो पाया, बिकॉज 8 इयर्स से मैं कृष्णा कॉन्शियस में हूँ, बट मैं वो ले नहीं पाई कभी, फाइनेंशियल इश्यू की वजह से। कभी मतलब कोई ऐसा संजोग ही नहीं आया कि मैं ले पाई, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, बट फाइनली आपकी कृपा से भगवतम जी मेरे घर आए हैं, तो उस वजह से मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और अब मैंने रीड करना भी स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग से। सो ऑलवेज थैंकफुल टू यू, और मेरा जब भी सुबह हो पा रहा है तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मतलब मुझे एक रास्ता मिला। मेरा चैंटिंग शादी के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गया था, वो नहीं हो पाता था, बट किसी के थ्रू मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई और मेरा चैंटिंग भी प्रॉपर हो रहा है। और भगवतम जी मेरे घर पे आई, जो मेरा एक सपना था कि मेरे घर पे भगवतम हो और मैं रीड करूँ या अपने हस्बैंड को सुनाऊँ, तो वो चीज़ मुमकिन हो पाई। सो सो थैंकफुल टू यू। इसमें भी दो रस्सी दो उंगली का खेल है, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। आपकी इच्छा थी, आपका समर्पण था, आपके अंदर वो भावना थी, तो भगवान की कृपा से आपको भागवत मिल गई। मैं सभी भक्तों से भी अनुरोध करूंगा, आपके घर में खाना हो ना हो, आपके घर में कपड़े हो ना हो, भागवत होना चाहिए। ये प्रयास आप लोग कीजिए। जिसके घर में भी भागवत नहीं है, आप संपर्क कीजिए, हमारे दक्ष संकर्षण प्रभु और भी भक्त लोग हैं, आप मुझे भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। आपको जिसको भागवत चाहिए, हम लोग आपके घर में भागवत पहुंचाएंगे, लेकिन कृपया करके भागवत रखिए। मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ जो जो रद्दी का काम करते हैं लेकिन भागवत खरीदे हैं। उनके पास कोई धन नहीं लेकिन भागवत है घर में, क्योंकि ये भागवत हमारी विशेष संपदा है, इसको मत छोड़िए। बहुत सारा पैसा हमारा नष्ट होता है, एक बार हम बीमार होते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इधर कंजूसी मत कीजिए। जिसके घर भागवत नहीं है, कृपया करके संपर्क कीजिए, आप भागवत ले लीजिए। जब पैसा हो जब दे देना, लेकिन भागवत लेके जाइए, पढ़ाई कीजिए कम से कम। ये भागवत आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य, ये सबसे बहुमूल्य खजाना है। हरे कृष्ण। सोनी कसोदन माता जी, अमेठी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये भागवत कितनी मतलब कितने कॉस्टली होगा बता दीजिए, है ना, ये मेरे पास भी नहीं है ना। भागवत को अगर भगवान का अवतार बोला है, तो भगवान जितना मूल्य के हैं उतना ही भागवत मूल्यवान है। भगवान को कोई संपदा खरीद नहीं सकती। माता यशोदा का प्रेम भी नहीं बांध पा रहा है अभी श्लोक के अनुसार, बेचारी माता यशोदा भी परेशान है, तो हम क्या भागवत को खरीदेंगे। लेकिन भागवत की कृपा चाहिए, भागवत प्राप्त करना है, तो भक्तों को संपर्क कीजिए, भक्त लोग आपको भागवत पहुंचा देंगे। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, भगवान की जो रीप्रिंटिंग जिससे हो सके, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से आपको भागवत मिल सकती है। और अभी मैराथन जो चल रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, अभी में कुछ डिस्काउंट भी है, तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन आप संपर्क करेंगे भक्तों को तो आपको भागवत वो लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक जी है, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु ऋतु माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, आपने एक बार लिंक भेजा था, उसके बाद से मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखती हूँ। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपके वीडियोस मुझे भक्ति रसामृत सिंधु पे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे? मेरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर प्रवचन दिए हैं, तो आप उनका सुन सकते हैं। और अगर प्रभुपाद जी का भी दिए हैं, प्रभुपाद जी ने 1 महीना भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर प्रवचन दिए हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। प्रभु जी, ग्रुप के अंदर ओके, कोई लिंक भेज सकते हैं प्रभुपाद जी का, कोई हाँ, उपलब्ध मैं प्राप्त? ग्रुप पे भेजता हूँ जो प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु पे प्रवचन दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी सिस्टर है उषा दीदी, वो एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी हम ना ज्यादा ना माला करते हैं ना, वो ज्यादा बहुत कम करते हैं, नहीं हो पाते जो बात है, तो क्या नाम, लेकिन वो भगवान कृष्ण के बाल रूप हम ज्यादा स्वप्न में देखते हैं, तो क्या करेंगे? थोड़ा सपना कम देख करके एक माला जप करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है, वही क्योंकि हम पूछ रहे। भगवान भगवान जो चाहते हैं भक्त वो करना चाहता है। भगवान गीता में बोले हैं, जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ स्वयं हूँ, सतत चिंतयन्तो मां, मेरा हमेशा चिंतन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, भगवान ये चाहते हैं। तो उनको स्वप्न में देखने से ज्यादा आवश्यक है उनकी सेवा करनी। तो आप 10 मिनट कम सो करके एक माला जप कर सकते हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण।